वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक नया केक बनाने वाले हैं और वो है पाइन एप्पल फ्लेवर का। तो चलो बिना देर के केक की ओर बढ़ जाते हैं। तो हम पाइन एप्पल फ्लेवर का केक बनाएंगे तो उसके लिए वाइट स्पॉन्ज लेते हैं और उस पर जो डोम शेप आया है वो हम ब्रेड नाइफ की सहायता से कट करेंगे और इस केक के 3 पार्ट हमें करने होंगे। तो ब्रेड नाइफ़ की सहायता से हम ये कट करेंगे। ब्रेड नाइफ़ आपको सिर्फ वही रख कर टर्न टेबल को हिलाते जाना है और इस तरह से आपको केक के 3 पार्ट करने चाहिए। जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से आपको 3 भाग करने हैं। तो अब हम केक को सोक कर दें। सोक करने के लिए नॉर्मल पानी लेना है और आपको केक को सोक करना है ताकि जब आप वो केक फ्रिज में रखें तो वो हार्ड ना बन जाए। सोक करने के बाद उसके ऊपर जितनी चाहिए उतनी क्रीम लगाकर आपको जो चाहिए वो फ्लेवर डालेंगे। जैसे कि हम पाइन एप्पल बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं पाइन एप्पल फ्लेवर डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको जो आपने स्पॉन्ज कट किया था उसके सबसे ऊपर जो पार्ट था वो भाग आप सेकेंड लेयर पर लगाएंगे और उसके जो साइड वॉल होते हैं वो आपको क्रीम से फिल करने, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। अब हमने जो पहले स्पॉन्ज पर प्रोसीजर फॉलो किया था वही हम सेकंड स्पॉन्ज पर करेंगे। तो सोक करते हैं, उसके बाद उस पर जितनी चाहिए उतनी क्रीम लगाते हैं और फ्लेवर डालेंगे। अब जो आखिरी स्पॉन्ज बचा है वो हम लगाएंगे और वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और इस पर जो आखिर में क्रीम लगती है वो थोड़ी ही लगती है और इसे फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखते हैं और इसे कहते हैं क्रम्बल कोट करना। जब आपका केक पूरी तरह सेट हो जाए तो हम आखिर में जो फिनिशिंग देंगे वो पार्ट करेंगे। तो जो आपको क्रीम चाहिए उस कलर की लो और केक को लगाओ। जैसे कि मुझे वाइट चाहिए तो पाइपिंग बैग को मैंने छोटा सा कट दिया है और छोटा सा होल किया है और केक को अब लगाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो केक के लिए वही लगाते हैं और आपको बस टर्न टेबल घुमाते चले जाना है और आपको पाइपिंग बैग को प्रेशर देते चले जाना है। जिस तरह क्रीम लगेगी उसी तरह आपका केक बनकर रेडी हो जाएगा। जब क्रीम लगाकर हो जाएगी तो पैलेट नाइफ की सहायता से हम क्रीम को फैलाएंगे जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है और पैलेट नाइफ की सहायता से फैलाकर एक अच्छी सी फिनिशिंग देंगे जिससे हमारा केक उभर कर आएगा। उसके बाद आपका कोई भी ATM कार्ड या फिर पैन कार्ड ख़राब हो गया है उसके सहायता से भी आप अच्छी सी फिनिशिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पत्ता लिया है खेलने वाला, उसे कार्ड भी कहते हैं, तो मैंने वही लेकर केक को अच्छी सी फिनिशिंग दी है। केक को फिनिशिंग देने के बाद आज हम ऑयल ब्रश से केक को एक फिनिशिंग देंगे। जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से आपको करना है, यानी कि ऑयल ब्रश होता है उसे आपको केक का लगाना है और टर्न टेबल घुमाते चले जाना और जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे आपको जो ब्रश है वो ऊपर की तरफ खींचते चले जाना है। उसी तरह आपको ऊपर की साइड भी करना होगा और एक अच्छा सा टेक्सचर आपको दिख रहा होगा। केक की फिनिशिंग होने के बाद अब हम डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर की क्रीम चाहिए, तो मैं क्रीम में ग्रीन कलर डाल रहा हूँ और क्रीम ग्रीन कलर की बना रहा हूँ। जिस तरह मैंने ग्रीन कलर बनाया है उसी तरह मैंने येलो कलर भी बनाकर रखा है। तो ये रहा हमारा येलो कलर, वो भी मैंने बना कर रखा है। तो दो कलर बनाए वो हमें थोड़े पतले से बनाने हैं, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे थोड़ा पतला करना है। अब हम चम्मच लेंगे और वह जो क्रीम है वो केक के ऊपर इस तरह लगाएंगे जिस तरह वीडियो में दिखाया है। देखो इस प्रकार से कई कई भागों में ये येलो कलर है वो लगाते चले जाना, हम सिर्फ नीचे की ओर लगाते चले जाएंगे। जिस तरह नीचे लगाया है उसी प्रकार से हम जहाँ ऊपर चाहिए वहाँ भी येलो कलर लगाएंगे। जिस प्रकार से येलो कलर लगाया है
उसी प्रकार से हम ग्रीन कलर भी वैसे उसी प्रकार से नीचे और ऊपर की ओर लगाते जाएंगे। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इस पर वाइट बॉल डालेंगे कुछ इस तरह से। मेरे पास बॉल है, वो स्प्रिंकल्स मैं इस पर कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने वीडियो में दिखाया है उसी प्रकार से इस पर डालते चले जाएंगे। उसी प्रकार से नीचे भी हम कुछ स्प्रिंकल्स लगाते हैं। अब हम केक का लुक बढ़ाने के लिए कुछ गोल्ड फ्लेक्स लगाएंगे। मार्केट में गोल्ड फ्लेक्स इस तरह से मिल जाते हैं, वो आपको केक पर लगाना है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमारा केक बनकर रेडी है।